अपन आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ UPI पेमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट लेके आया हुआ है। यहाँ पे UPI ID आपका बंद हो जाएगा। सरकार ने 31 दिसंबर तक यहाँ पे समय दिया गया है आपको। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब NPCI इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक आपको 31 दिसंबर तक अपने UPI को एक्टिव करना होगा, वरना नए साल से आप गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे जैसे ऐप UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे। किस कारण से नहीं कर पाएंगे आपको बताने वाला हूँ गाइज, आपको ध्यान से देखना है। आपको UPI ने लोगों के पैसे के लेन देन का तरीका बदल दिया है। छोटे से लेकर बड़े अमाउंट का UPI पेमेंट के जरिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि रिक्शा से लेकर मेट्रो में यात्रा के लिए भी लोग ज़्यादातर UPI के जरिए भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब इसे लेकर सरकार गवर्नमेंट ने एक खास मैसेज किया हुआ है। अगर आप भी UPI का इस्तेमाल UPI यूजर करते हैं तो आपका ये जान लेना चाहिए, वरना एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। यहाँ पे बंद हो जाएगा आपका UPI। क्यों बंद हो जाएगा UPI गाइज, आपको बता दे रहा हूँ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 7 नवंबर 2023 को गाइडलाइन जारी किया था। इस गाइडलाइन में कहा गया था कि अगर किसी कस्टमर ने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे के जरिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पिछले एक साल से नहीं किया गया है तो उसकी UPI ID बंद हो जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 31 दिसंबर तक आपका समय दिया गया है। NPCI ने सभी बैंकों से ग्राहकों को तलाश करने के लिए निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर ऐसी कोई UPI ID 31 दिसंबर 2023 तक एक्टिव नहीं होती है तो इसे 1 जनवरी 2024 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका कोई भी UPI ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इस कारण से आप अपने पिछले एक साल से UPI ID फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया है। UPI ID को तुरंत एक्टिवेट कर ले। आई होप इस वीडियो से जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपके लिए। क्या ये NPCI ने जो अपडेट लाया हुआ है तो क्या ये सही किया है, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें गाइज। तो आई होप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।